हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हमने काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, मटेरियल लेवल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट से रिलेटेड। आज इसी चैप्टर में मैं आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। एबीसी एनालिसिस क्या है? स्टूडेंट्स, प्राय हमारी परीक्षाओं में अब तक एबीसी एनालिसिस से संबंधित थ्योरिटिकल क्वेश्चंस आते रहे हैं, पर कभी कभी इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से और थ्योरिटिकल के माध्यम से दोनों तरीकों से समझना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एबीसी एनालिसिस यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस, एबीसी की फुल फॉर्म होती है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। जब कोई इस प्रकार का व्यवसाय होता है या कोई निर्माणी फैक्ट्री होती है जिसमें बहुत प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, या कोई व्यवसाय है जिसमें बहुत प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार किया जाता है, तो वहाँ एबीसी एनालिसिस काम में आता है। आप देखिए कि जो प्रत्येक निर्माणी संस्था होती है यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसमें जो माल होता है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था कच्चे माल की होती है, रॉ मटेरियल। उसी रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से हम पक्का माल बनाते हैं। तो पहली अवस्था रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और जब हम उसको तैयार माल में परिवर्तित करते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध निर्मित माल यानी निर्माण अवस्था में वो माल है। उसके बाद उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो फिनिश्ड गुड्स बन जाता है यानी निर्मित माल बन जाता है, फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक की तीन कंडीशंस हुई, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। और इन तीनों वर्गों में शामिल माल को भी हम कई सारे उपवर्गों में बांट सकते हैं। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो उन सभी मालों के उचित लेखांकन की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम वस्तुओं को तीन श्रेणियों में बांट देते हैं, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। आप देखिए, आपको वीडियो में एक टेबल दिखाई दे रही है। एक इस टेबल में पहला जो कॉलम है वो कैटेगरी का है। कैटेगरी के बाद में आप देखिए परसेंटेज ऑफ स्टोर्स आइटम्स, उसके बाद परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स यूज्ड, और उसके बाद में है कि इन पर हम नियंत्रण किस प्रकार से रखें, कंट्रोल रिक्वायर्ड। तो ए कैटेगरी में हम उन वस्तुओं को रखते हैं जो कि कुल मदों की 5-10% होती हैं, यानी जितना माल यूनिट्स के रूप में, मदों के रूप में, आइटम्स के रूप में आपके पास मौजूद हैं उनकी 5-10% होती हैं, और उनका मूल्य स्टोर्स में रखी गई कुल सामग्री के मूल्य का 70-80% तक होता है। फिर बी कैटेगरी में हम उन मदों को शामिल करते हैं जिनकी संख्या
कुल मदों में 20 से 25 प्रतिशत तक होती है, ये कभी कभी 20 से 30 प्रतिशत भी हो जाती है स्टूडेंट्स, और उनका मूल्य स्टोर्स में रखी कुल सामग्री का 15 से 20 प्रतिशत तक होता है। उसके बाद आप देखिए सी कैटेगरी में वे मदें आती हैं जिनकी संख्या कुल मदों के 70 से 75 प्रतिशत तक होती है, ये भी 80 प्रतिशत तक जा सकती है, किंतु कुल सामग्री के मूल्य का केवल 5 से 10 प्रतिशत तक होता है। तो स्टूडेंट्स ए कैटेगरी की जो वस्तुएं हैं उन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, मोर केयरफुल अटेंशन, और जो बी कैटेगरी की वस्तुएं हैं वो रूटीन कंट्रोल बाय इन्वेंट्री क्लर्क्स, एक सामान्य सी बात है, और सी कैटेगरी में रूल ऑफ थंब मेथड्स डेवलप फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो मूल बात यहाँ पे जो समझने की है वो ये है कि हमारे व्यवसाय में, हमारी दुकान में, हमारी फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जितने रुपए का माल हम खरीदते हैं वो मूल्य में सबसे ज़्यादा होती हैं लेकिन मात्रा में वो सबसे कम होती हैं। जैसे हम एक उदाहरण से इसे समझें, मान लीजिए कि आप अपनी दुकान में बिस्कुट्स रखते हैं। अब देखिए बिस्कुट्स जो होते हैं वो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट भी आता है, 10 रुपए का भी बिस्कुट आता है, 20 का भी आता है, 25 का भी आता है, 40 का भी आता है, 50 का भी आता है, 100 का भी आता है। तो जो सबसे अधिक मूल्य का बिस्कुट है उसकी मात्रा हमारे दुकान में कम रहेगी। वो मूल्य में तो सबसे ज़्यादा है लेकिन मात्रा में सबसे कम है, उसे हम ए कैटेगरी की वस्तु में रखेंगे। और सी कैटेगरी में किसको रखेंगे? जो मूल्य में सबसे कम है, जैसे मान लीजिए 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट है और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हम रख सकते हैं क्योंकि 5 रुपए मूल्य का है, उसके ग्राहक भी ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे मूल्य सबसे कम है लेकिन मात्रा सबसे ज़्यादा है। और जो वस्तु न ए में आए न बी में आए, न बहुत सस्ती है न बहुत महंगी है, न ए कैटेगरी में आप डाल सकते हो न सी में डाल सकते हो, उसको हम बी कैटेगरी में डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बार हमारी परीक्षाओं में टिप्पणी के रूप में भी प्रश्न आया हुआ है कि एबीसी एनालिसिस पर आप एक नोट लिखिए, आप एक टिप्पणी लिखिए। तो जो बातें मैंने अभी आपको एबीसी विश्लेषण के बारे में बताई और जो आपको वीडियो में देखिए दिखाई दे रही है, ये सारी बातें आपको अपनी कॉपी में लिख के और आपको थोड़ा सा इसको मनन करना है, इसका अध्ययन करना है। अब स्टूडेंट्स इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें 10 विभिन्न प्रकार की मद है। देखिए पहले कॉलम में लिखा है आइटम नंबर्स 1 से 10, यानी इस प्रश्न में आपको 10 टाइप की वस्तुएं, 10 टाइप की माल आपको दिया हुआ है। उसके सामने एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन इन्वेंट्री, ये भी आपको दिया हुआ है, और अगले कॉलम में आपको कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की जो मदें हैं इनको हमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बांटना है और बांट के एक तालिका में इनको प्रदर्शित करना है। तो आइए हम इसे कैसे बांटेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 कॉलम जो हमने बनाए पहले, आप देखिए पहला कॉलम तो आइटम का बन गया कि कितने नंबर का आइटम है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम यूनिट्स जो हमें सवाल में दी हुई हैं और उन यूनिट्स का परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स, यानी जो कुल यूनिट्स हैं उनमें इस यूनिट का प्रतिशत कितना है ये हम निकालेंगे। अगले कॉलम में आपको कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट कॉस्ट दी हुई है। उसके बाद हम यूनिट्स को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और फिर जो पूरी टोटल कॉस्ट है
उसका हम परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट निकालेंगे और अंत में जो कैटेगरी ए बी सी में हमको डिवाइड करना है वो कैटेगरी हम लोग लिख देंगे। कैटेगरी का कॉलम आप सबसे पहले भी बना सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या काम करना है, अब हम देखते हैं, पहले ये छांट लेते हैं हम लोग रफ में कि भाई कौन सी वस्तु किस कैटेगरी में आएगी। या तो हम पहले ए और सी छांट लेते हैं या पहले ए और बी छांट लेते हैं, तो जो बाकी की बचेगी वो जो अंत में जो कैटेगरी बचेगी उसमें हम लिख देंगे। आप देखिए, आपको सवाल देखने से ही एक चीज़ प्रतीत होती है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में सबसे जो महंगी वस्तु है वो स्टूडेंट्स 100 रुपए वाली है। आप देखिए 100 रुपए पर यूनिट, और मात्रा इसकी सबसे कम है, केवल 5000 है। तो हम ये तुक्का नहीं मार के इसको ऑथेंटिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये जो यूनिट्स हैं इनका टोटल करना है, यानी 35 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 और प्लस 22 प्लस 90 प्लस 128 प्लस 30 और प्लस 25। तो स्टूडेंट्स इनका टोटल आप कॉपी में अलग से करके लिख लीजिए, इसका टोटल आ रहा है 4 लाख। यानी हमारे पास जो टोटल यूनिट्स हैं, माल हमारे पास में है, वो 4 लाख इकाइयां हमारे पास में माल है, और आगे आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स दे रहा है। तो अब आप देखिए 4 लाख आपके पास में माल है, तो यहाँ पे हमें क्या है, दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कई बार स्टोर्स के में जो माल रखा है वो दिए गए प्रतिशत से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मूल्य एग्जैक्टली मिलना चाहिए। और कई बार मूल्य की बजाय हम स्टोर्स को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे ए कैटेगरी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सबसे महंगी वस्तु 100 रुपए वाली है। तो आइए, हमने आइटम नंबर है ये 100 यूनिट वाला आइटम नंबर कौन सा है, 4। तो हमने आइटम में लिखा 4 यूनिट्स 5000, और फिर यूनिट कॉस्ट में हमने लिख दिया 100, और 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करके आगे हमने टोटल कॉस्ट लिख दी आपकी 4 लाख। इतना काम हमको करना है। उसके बाद आप देखिए 100 रुपये से जस्ट नीचे जो वस्तु है वो 40 रुपये वाली है। तो 40 रुपये वाला आइटम नंबर 3, उसकी यूनिट्स हैं 10000, यूनिट कॉस्ट लिखी 40, 10000 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके 4 लाख आ गए। अब स्टूडेंट्स देखिए, 10-10 रुपए की हमें दो वस्तुएं दी हुई हैं। एक वस्तु की यूनिट्स हैं 35000, आइटम नंबर 1, और जो 5 नंबर का आइटम है उसकी 15000 यूनिट दी हुई हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो मूल्य तो दोनों का समान है, लेकिन आप देखिए कुल जो यूनिट्स होती हैं उनका परसेंटेज जो होता है, अब आप देखिए इसमें अपन ने परसेंटेज ऑफ स्टोर्स आइटम यहाँ पे 5-10% है, तो टोटल आपका जो माल है वो 4 लाख है। 4 लाख का 5% कितना हुआ, 20000। और यहाँ पे ये जो पहले आइटम नंबर का जो यूनिट्स हैं वो हैं 35000, 35000, और इसमें है ये 15000, यानी कि मूल्य बराबर है लेकिन ये कम है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम जो पहला आइटम है उसको लेंगे ए कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी में आपने 35000 लिखा, मूल्य 10 रुपये है, इसके 3.5 लाख रुपये आ गए। ठीक, तो अभी तक जो 7 कॉलम हैं उनमें से हमने देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, और फिर चौथा, और फिर पांचवा। इस कॉलम को एक बार आप छोड़ दीजिए, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ यूनिट्स, इसको हम साथ साथ आगे कर लेंगे। उसके बाद बी कैटेगरी में आइए, तो बी कैटेगरी में एक वस्तु तो फाइनल है, आइटम नंबर 5, 15000, और यूनिट कॉस्ट है 10, ये टोटल कॉस्ट आ गई 1,50,000। और 10 के नीचे जो वस्तु है वो 4 रुपए वाली है, इसे भी आप बी कैटेगरी में लिए,
तो 40,000 और यहाँ पे 4, तो ये 1,60,000 आ गया। अब स्टूडेंट्स 10 आपके पास में जो आइटम्स थे उसमें से आपने 5 आइटम्स ले लिए, यानी पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा भी आ गया और पांचवा भी आ गया। उसके बाद जितने आइटम्स बच गए वो सारे के सारे सी कैटेगरी में जाएंगे। तो सी कैटेगरी में आपने देखिए, सबसे पहले आइटम नंबर 7 90,000, 1 के भाव तो 90,000, फिर 25,000, आइटम नंबर 10 है ये 3 के भाव है तो 75,000, फिर आइटम नंबर 6 22,000, 3 के भाव तो 66,000 हो गए, 8वें नंबर का आइटम 1,28,000, 50 पैसे के भाव तो 64,000 हो गए, और 9 नंबर का आइटम 30,000, 2 रुपए के भाव तो 60,000 रुपए हो गए। इतना निकालने के बाद में स्टूडेंट्स आपको टोटल करना है किसका, यूनिट्स के कॉलम का और टोटल कॉस्ट के कॉलम का। इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आप इसे देख के कॉपी में लिखिए। यूनिट्स का जब आपने अभी टोटल किया तो आया था 4,00,000, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट का जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 19,15,000। इन दोनों के आधार पे हम परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट के कॉलम को फुलफिल करेंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहले ऊपर ही ऊपर यूनिट दिए 5,000, चौथे आइटम में यूनिट है 5,000 और हमारे पास में टोटल यूनिट कितनी है 4,00,000। तो 5,000 बटे 4,00,000 और गुणा 100, यानी आपने परसेंटेज निकाला कि 5,000 4,00,000 का कितना परसेंट है, तो ये आया 1.25। इसी तरह से 10,000 बटे 4,00,000 गुणा 100 तो ये 2.5 आ गया, फिर 35,000 बटे 4,00,000 गुणा 100 तो ये 8.75 आ गया। इस तरीके से आप उत्तर में देखिए कि आपको परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स करना है, तो देखिए ए कैटेगरी में 12.50 आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कुल माल है उसमें 12.5% जो माल है वो ए कैटेगरी का है। जब आप टोटल कॉस्ट का परसेंटेज निकालेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितनी दी है 5,00,000 और पूरी टोटल कॉस्ट है 19,15,000, तो आपने किया 5,00,000 बटे 19,15,000 गुणा 100, तो ये परसेंटेज आया 26.11। फिर 4,00,000 बटे 19,15,000 गुणा 100 20.89। उसके बाद में 3,50,000 बटे 19,15,000 गुणा 100 तो ये 18.26, और इसका टोटल आपने किया है 65.26। तो ये जो तीन वस्तुएं हुई ये ए कैटेगरी की हुई। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको बी कैटेगरी में यूनिट्स का परसेंटेज निकालना है, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको सी कैटेगरी में परसेंटेज निकाल लेना है। और ये निकालने के बाद में, अब मान लीजिए आपने गलती से यदि आपने बी कैटेगरी का ए में लिख दिया, टोटल तो बराबर आना है, यानी आप जो ये परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स कर रहे हैं 12.50 13.75 73.75, इसका टोटल 100 आना चाहिए, और इधर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट में भी 65.26 16.19 और 18.53, इनका टोटल भी 100 आना चाहिए। यानी इस प्रकार एबीसी एनालिसिस में आपको जो वस्तुएं दी जाएं अलग अलग मूल्य की, अलग अलग यूनिट्स आपको दी जाए, उनको आपको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बांटना है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ए कैटेगरी में हमारा इतने परसेंट पैसा लगा हुआ है, इतनी परसेंट हमारे पास में यूनिट्स हैं, और वो बी में इतनी हैं और सी में इतनी हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में बताया। अब मैं आपको ग्रुप पे होमवर्क के रूप में सवाल दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, और इस सवाल को भी आपको घर पे देख के सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।